तो मित्रों कैसे हैं आप सब। आज चल रही है गाने की एक स्क्रिप्टिंग, जिसके हमारे प्रोड्यूसर महोदय बैठे हुए हैं चश्मा लगाए हुए, और पीछे एक महोदय हैं बिलन महोदय हमारे, जो कि मेरे पर्सनल हीरो भी हैं, मेरे आइकॉन भी हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज तू बदली गाना, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, बड़े प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने वाला गाना है। और इसके जो सिंगर हैं सलीम जी हैं, आप तो जानते होंगे अच्छे से कि उनकी सिंगिंग मतलब मजा कर देती है भाई, कसम से। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि बहुत ही गजब का सिस्टम होने वाला है, बहुत गजब का माहौल आने वाला है, तो उसके लिए बिल्कुल रेडी रहें। और हाँ भाई, बता क्या रहे थे आप, कौन सा गाना? तू बदली। नहीं नहीं, वो वाला वाला जो दूसरा वाला बता रहे थे, बाल बहुत अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि जो है तुम्हारे बाल पीछे चले जाते हैं बहुत आसानी से। पीछे क्या, बाल बड़े करने वाले वो रोके, वो रोके मतलब वो तुम रोक देते हो ना तो रुक जाते। हमारे बाल तो मतलब थे साला, यहाँ तक चले जाते थे अपने आप, ऑटोमेटिक मुंह तक घुस जाते थे। करने वाले कर रहे हैं ना, अभी सेटमेंट पे नहीं आते। सही है, ये दिल टूटने वाले आशिकों की ये गुहार है, तो आप तक पहुंचाई जा रही है यार। तो भैया अब हम पहुंचने ही वाले हैं कहाँ, पारिजात के पेड़ के पास। तो जाहिर सी बात है मेरे प्रोड्यूसर साहब की काफी लाल हो गई है, क्योंकि इतना दूर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना दूर हम उनको ले आए हैं। पारिजात की हम लोग चल रहे हैं अभी कुछ नाश्ता पानी काटने के बाद में फिर आगे चलेंगे। भाई 24 घंटा लौंडियाबाजी सवार है इस बंदे के ऊपर, ये मैं बिल्कुल खुले आम कह रहा हूँ। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं इसी बात पे लाइक तो जरूर कर देना। ये बंदा जो है, ये बंदा 24 घंटा, ओह माय गॉड। ओके शो, ये अभी हम लोग वहाँ बैठे हैं, अभी छोला समोसा आएगा, मैं आपको उसकी भी फोटो दिखाता हूँ, ठीक है? मतलब सर्विस बहुत तेज है, बदोसराय में है इस समय हम, ये गुप्ता जी के ढाबे पे। तो ये सर्विस इतनी तेज है कि मैंने एक बार ऑर्डर किया और तुरंत ये सारी चीजें आपके सामने, मतलब कुछ ही टाइम में, बहुत स्पीड में। ये बच्चा देखो बहुत मेहनत कर रहा है। तो हम इन लोग इसको जो है खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और भाई मेरा शुरू भी कर चुका है। करते हैं
नंबर एक भाई साहब कैसा रहता है? बढ़िया बढ़िया। गुप्ता जी को बुलाइए, गुप्ता जी। कौन सा गुप्ता जी का है ना? वाकई में बहुत अच्छा स्वाद है इसका छोला और समोसे का, और शायद हो सकता है इसको खा तो छोले और समोसे मैं इसके बाद में हो सकता है कि मैं एक और खाऊं, तो प्लीज़ भाई अभी इसके हमने तो भैया खा के हम बिल्कुल फिट हो गए। अब ये दोनों लोग जुटे हुए हैं अभी ये लोग पियेंगे चाय और हम पियेंगे कूल ड्रिंक। हटना यार, कोल्ड ड्रिंक में चाय साला जबरदस्ती क्या मार दे रहे हैं यार। कोई नहीं, हम लोग नाश्ता कर लिए हैं, गुप्ता जी का ढाबा है ये पीछे वहीं पे, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सीधा चलेंगे पारिजात पेड़ की तरफ, और देखना है सिर्फ 3 किलोमीटर है, हम लोग 3 किलोमीटर बचा है हम लोग चलेंगे। हो चुके हैं हम लोग लगा, अरे मतलब उसमें नहीं यार, मतलब नाश्ता पानी करके भाई फुल टाइट हो गए अभी। इसका कोई मतलब नहीं है कि हाँ कुछ ऐसा वैसा, हालांकि कोई नहीं यार, अगर गुस्सा हो जाए तो साला बारिश मत करो, तो यार अगर हंस दे तो बेलम बेल बारिश करो भाई यार। यार मतलब सीरियसली वाला गुस्सा हो गया ना तो कम से कम टेम्परेचर चला जाएगा 50 डिग्री के ऊपर, इंसान जलेगा। तुम अभी आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए आराम से यार, हमेशा हंसा कर फूल खूब, इसलिए वहाँ मौसम हमेशा खोल रहता है मोटा। हाँ, जम्मू कश्मीर से, कश्मीर से याद आया यार, मैं उसका वीडियो डालने वाला हूँ जम्मू कश्मीर ट्रिप का। मैं काफ़ी टाइम से मतलब कोशिश कर रहा हूँ डालने की, बट क्या हो जाता है कभी कोई काम कभी कोई काम कभी कोई काम। हाँ, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको उसमें एक्सप्लोर करूँगा। एक्चुअल मैं 4 लोगों की टीम थी हम लोगों की, तो हम लोग गए थे, मतलब जब दोबारा जाने का नंबर हो गया तब पहली वीडियो अपलोड होगी। हाँ, ये वाली वीडियो पता नहीं कब। एक साल हो गया भाई, एक साल सच्ची में, एक साल आराम से चलो, आराम से चलो, बस यही क्या है भैया, मेरा हुआ था मास्क। अब चल रहे हैं सीधा दाम के अंदर। ये कौन सा है? ये तो यहाँ प्रसाद लेने के लिए आपको बार बार जो है तुम्हारे पीछे लोग पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने का, और बिल्कुल नहीं, और ये जो है बिल्कुल गेट है इसका, परेशान ना क्या
आंवला फेंकना सख्त मना है। तो मतलब बरगद आंवला रे बाबा, काफी कुछ यहाँ पर है ये एरिया। ये पारिजात का वृक्ष है, ये 5000 साल के दरख्त। काफी लोग आते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अपने सूज उतार देंगे। और नहीं है उतार देते सूज अपने उतार के, फिर हाँ देख लेते हैं चारों तरफ। आप यहीं चाहे खड़े रहो, मैं खड़ा हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ। तो अभी हम लोग चले आए, ये है पहले ये सारी चीजें नहीं थी, सिर्फ इसके बगल में जो ये इस पेड़ के जस्ट बगल में जो रिंग देख रहे हो आप, रिंग एक और है पेड़ के बगल में, वहाँ तक केवल रिंग थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि अभी इन्होंने यहाँ तक रिंग बना दी है पूरा, मतलब इतनी दूर तक रिंग बना दी, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता था कि पेड़ को छूते थे, उसमें कुछ लिखने की कोशिश करते थे। ये सारी चीज़ें हैं, ये पेड़ उस चीज़ का है, ये जब पांडव कौरवों का जब वो पांडव कौरव थे जब द्वापर युग में,